नमस्कार सीएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मऊ की, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की और कई तरह की मिठाइयों के सैंपल लिए। वहीं विभाग ने इस कार्रवाई के बाद मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचाया हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे कारखाने में आए थे और उसका नमूना ले गए। हम लोग समय समय पर कोशिश करते कि अच्छे से सामान बना के ग्राहक को दिया जाए समय से, और आगे और अधिक साफ सफाई पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कुछ गंदगियाँ वगैरह भी देखा उन्होंने, उसके लिए भविष्य में कोशिश करेंगे और अच्छे से साफ सफाई के लिए फिर आइंदा कोई कमी ना पाए, इसके लिए कोशिश करेंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर उप जिलाधिकारी अंकुर लाठन द्वारा जो चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज हमारी टीम को निर्देश दिया गया था कि शहर के जो प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण करके नमूना संग्रहित करके और लेबोरेटरी में भेजा जाए, जिस क्रम में हम लोग राजवंती पे आए हैं। इनके यहाँ से खोआ मिश्रण का नमूना लिया गया है और नमूना सील करके जांच के लिए भेज रहे हैं। साफ सफाई की स्थिति कुछ कमी पाई गई, गंदगी पाई गई, जिसपे इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के अंदर इनको समय दिया गया है कि ये कार्रवाई करवा के। किस अवसर पे किया गया था इसको? ये होली के पर्व को देखते हुए हमारी जो है रेड चल रही है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरे जिले में 1 से 19 तक सतर्कता चल रही है और हर तहसीलों में हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कुछ कमियां मिल पाई हैं किसी दुकानों से? अभी तक जो करीब 4-5 क्विंटल हम लोगों ने छेना फेंकवाया है, 3 क्विंटल रसूलपुर में एक जगह फेंकवाया है, फिर मोहम्मदाबाद गोहना में फेंकवाया है, फिर कल घोसी में कार्रवाई हुई है, वहाँ 1 क्विंटल करीब फेंकवाया गया, वहाँ भी 4 नमूने हुए हैं। उनमें कमियाँ क्या थी सर? कमियाँ स्टार्च की मिलावट होती है, मक्खी गिरे हुए थे, स्टार्च की मिलावट थी, मेनली स्टार्च की मिलावट होती है। जो आरा रोट होता है, अगर मौके पर आरा रोट मिल जाता है बनाते समय तो हम प्रथम दृष्टिया उसको जो है अपनी सिद्ध मान के नष्ट कर देते हैं। इस मिठान की लागत क्या होगी जो आपने अब तक नष्ट कराए? अब तक जो नष्ट कराए हैं इसकी लगभग 50,000 के आसपास अनुमान है। तो क्यों मिलाते हैं, क्या बहुत कम? जैसे ये होता है आरा रोट की अगर मिलावट कर दी जाएगी तो उस छीने की कीमत की लागत कम आ जाएगी। अगर छीना अच्छे क्वालिटी का है तो वो 300 रुपये किलो तक बिकता है और जिसमें आरा रोट की अगर मिलावट होती है वो 160, 120, 125 तक की लागत में बिक जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज्यादा मिलावट होती है, शहरी क्षेत्रों में कम देखा गया है। प्रशासन का मोटो है क्या कि किसी भी हाल में मिलावटी? बिल्कुल एकदम हम लोग कटिबद्ध हैं कि किसी को भी जो है मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिक्री करने दिया जाएगा और ग्राहकों को भी हम जागरूक करेंगे कि वो मिलावटी खाद्य पदार्थ न लें। इसके लिए जगह जगह हम कैंप कर रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं।